जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसे चैंपियनशिप की, एक ऐसे कंपटीशन की बात करने वाले हैं जिसमें किड्स की इंग्लिश वोकेबुलरी की टेस्टिंग होती है और उस टेस्टिंग के बाद फाइनली उनको विजेता घोषित किया जाता है। और इसमें जो वोकेबुलरी की टेस्टिंग होती है वो बहुत ही हाई लेवल की होती है। एक विलेट, एक बुलेट, ए आई जी यू आई L L E T T E. You are correct. Shratika. वैसे जिस प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं वो भारत में नहीं होता है बल्कि यूएसए में होता है, लेकिन फिर भी हम भारतीयों का इस चैंपियनशिप से, इस कंपटीशन से बहुत गहरा संबंध है। इस वीडियो में हम उस संबंध की भी बात करेंगे और साथ ही इस कंपटीशन के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं द स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग चैंपियनशिप की। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जितने भी रियलिटी शो या चैंपियनशिप होती है उनमें सबसे ज़्यादा पसंद यही चैंपियनशिप है। इसके पीछे के कई कारण हैं, लेकिन जो बड़ा कारण है उसे मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले वे छोटे छोटे कारण की बात कर लेता हूं जिसके कारण मुझे ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद है। पहली चीज़ तो यह है कि यह एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसमें बच्चों को फोकस किया जाता है और बच्चों के जो वोकेबलरी का लेवल है उसकी टेस्टिंग की जाती है। Pondalok. Pondalok. P-E-N-D-E-L-O-Q-U-E, Pondalok. You are correct. इस इवेंट में कोई ड्रामा नहीं होता है, कोई एडिटिंग नहीं होती है, कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं होते हैं और ना ही इस प्रोग्राम को पब्लिसाइज करने के लिए किसी भी तरह की इरेलेवेंट पब्लिसिटी जो होती है उसका भी सहारा नहीं लिया जाता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है या कहें ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसमें इंटेलिजेंसी का टेस्ट होता है, जिसमें टेस्ट होता है बच्चों की मेमोरी का, उनके डायनामिक अप्रोच का, उनके कॉन्फिडेंस का, उनकी अंडरस्टैंडिंग का, साथ ही टेस्ट होता है इंग्लिश कंप्रहेंशन का, लेवल ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज का। इतने सारे डायमेंशंस को समेटने वाला यह प्रोग्राम, यह कॉम्पिटिशन अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। ये जो नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन होता है इसकी शुरुआत सबसे पहले 1925 में की गई थी और उस पहले कंपटीशन में फाइनली ग्लैडियोलस नामक इंग्लिश के वर्ड को स्पेल करके फ्रैंक न्यूजर इस कंपटीशन के पहले विजेता बने थे। बेसिकली इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहने वाले बच्चे ही हिस्सा लेते हैं, लेकिन कई बार इस कॉम्पिटिशन में अमेरिका से बाहर के बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया है। इस प्रोग्राम को नॉन प्रॉफिट बेसिस पर द ईडब्ल्यू स्क्रिप्ट्स कंपनी द्वारा फिलहाल आयोजित किया जाता है। 2003 से इस प्रोग्राम के ऑफिशियल प्रोनाउंसर जो हैं वो हैं जैक्स बेली, जिनके प्रोनाउंसिएशन को और फोनेटिक्स को काफी पसंद किया जाता है। बेवुस्ट साइंस लागा हेक्सियाटास हेक्सियाटास एज इन व्हेन कोरी आस्क्ड हर फ्रेंड्स व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू हर हेक्सियाटास। नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप 2021 यानी कि इस बार की इस चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो आने वाली 8 जुलाई को होगा और इस चैंपियनशिप का सीधा प्रसारण ईस्टर्न टाइम जोन यानी कि यूएसए के टाइम जोन के अनुसार 8 जुलाई को 8 से 10 बजे के बीच में होगा, जबकि भारतीय समय अनुसार यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन के अनुसार इसका प्रसारण 9 जुलाई सुबह 5:30 बजे होगा। यदि आप इस प्रोग्राम को लाइव नहीं देख सके तो इसके रिपीट टेलीकास्ट को जरूर देखिएगा। पिछले वर्ष यानी कि 2020 में कोरोना पेंडेमिक के कारण इस प्रोग्राम को आयोजित नहीं किया गया था। और अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिसके कारण मुझे यह कॉम्पिटिशन पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है और मेरे अनुसार केवल मैं ही नहीं जितने भी भारतीय लोग हैं हम सबको इस कारण की वजह से इस प्रोग्राम को जरूर देखना चाहिए। और वो कारण यह है कि इस कंपटीशन में भारतीय मूल के बच्चों का दबदबा होता है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 1% है, लेकिन यदि हम इस कंपटीशन के अंदर भारतीय बच्चों के दबदबे की बात करें तो वो इतना ज़्यादा है कि भारतीय मूल के बच्चे बाकी सभी बच्चों को आउट कम्पीट कर देते हैं। और इस भारतीय दबदबे के कारण ही इस प्रोग्राम को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि 1999 से लेकर 2019 तक के जो कॉम्पिटिशन्स हुए हैं उनमें 26 भारतीय मूल के बच्चों ने जो है इस कॉम्पिटिशन्स को जीता है। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि 1999 से लेकर 2019 तक तो 20 या 21 बार ये कॉम्पिटिशन हुआ होगा, तो फिर 26 भारतीय बच्चे इस प्रोग्राम के विजेता कैसे हो सकते हैं? तो इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि 2014, 15 और 16 इन 3 सालों में कोविनर्स चुने गए थे, 3 सालों में 2-2 कोविनर्स चुने गए थे, जबकि 2019 के इस कंपटीशन में तो
अतुलनीय परिणाम देखने को मिले। 2019 के चैंपियनशिप में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 8 बच्चों को को-विनर्स चुना गया था। और मजे की बात यह है कि 2019 के कॉम्पिटिशन्स में जो 8 बच्चे इस चैंपियनशिप को जीते थे उसमें से 7 भारतीय मूल के बच्चे थे। तो इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि आखिर भारतीय बच्चों ने इस इंग्लिश वोकेबुलरी कॉन्टेस्ट में कितना ज़्यादा वर्चस्व स्थापित कर रखा है। और इतना ही नहीं, आने वाली 8 ऑफ जुलाई 2021 को जो चैंपियनशिप का ग्रैंड फिनाले होने वाला है उसमें भी 11 फाइनलिस्ट में से 9 फाइनलिस्ट भारतीय मूल के बच्चे हैं। और संभवतः ये उदाहरण काफ़ी है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वाकई में इस कंपटीशन में भारतीय मूल के बच्चे जो हैं उनका कितना दबदबा दिखाई देता है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन सभी बच्चों को बेस्ट विशेस देता हूं कि वे इस चैंपियनशिप के फाइनल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दें। और आप सभी व्यूवर से भी मैं इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस प्रोग्राम के लाइव टेलीकास्ट को देखिएगा, यदि वो पॉसिबल ना हो तो आप इसके रिपीट टेलीकास्ट को ज़रूर देखिएगा। एक ऐसा कॉम्पिटिशन जहाँ इमोशंस हैं, गुडविल गेस्चर्स हैं, एप्रिसिएशन है, डिसेंसी है, डिग्निटी है, ग्रेटिफिकेशन है, इन सभी क्वालिटीज का फ्यूजन आपको उन बच्चों के बीच में होने वाले कॉम्पिटिशन में दिखाई देता है। एक बात और है जो इस कॉम्पिटिशन को बहुत खास बनाती है, वो ये है कि इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाले जो बच्चे होते हैं उनके बीच में अनफेयर कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि वे एक दूसरे के प्रति काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। और साथ ही इस कंपटीशन को जीतने वाले बच्चे जिस तरह का कामनेस, जिस तरह का शांत स्वभाव वहां पर प्रदर्शित करते हैं वह अपने आप में काफी अभिभूत करता है। आखिर जिस प्रोग्राम में, जिस कंपटीशन में इतने सारे एस्पेक्ट्स का फ्यूजन हो, मेरे हिसाब से ऐसे कंपटीशन का, ऐसे प्रोग्राम का एप्रिसिएशन जरूर होना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप के बारे में। और हम सब भारतीय लोग यही उम्मीद करें कि 2021 की चैंपियनशिप का जो फाइनल है उसे कोई भारतीय मूल का बच्चा ही जीते।